नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार चौधरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्पार्क 2.0। आज मैं इलेक्ट्रिक वायरिंग करने वाला हूं दोस्तों। देखिए किस तरह से मैं वायरिंग करता हूं और किस तरह से करने से सही रहता है और किस तरह से करने से वायर की बचत होता है, मैं पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। अब देखिए मैं स्प्रिंग वायर से हम पूरा बिल्डिंग को वायरिंग करने वाला हूं। तो देखिए हम किस तरह से घुसाते हैं और किस तरह से बोर्ड फिटिंग करते हैं, किस तरह से एफसीवी बॉक्स फिटिंग करता है, मैं पूरा डिटेल्स में जानकारी दूंगा। हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। वायरिंग तो किधर से भी करने से होता है। अब मैं इधर से शुरू करता हूँ, मैट्रिक्स से। ये देखिए अभी यहाँ तक पहुँच गया है। यहाँ से इधर से सीलिंग लाइन में सीलिंग फैन में पहुँचाएंगे। यहाँ से सीलिंग फैन में पहुँचाएंगे, उसके बाद मेन बोर्ड में जाएगा और उधर टीवी का बोर्ड, वहाँ पे भी पहुँचाएंगे। मैं देखिए किस तरह से बंदा यहाँ से कभी पहुँचाते हो मेन बोर्ड में जाएंगे। तार घुसा दिया हूँ दोस्तों। ये फेस है, ये वाला फेस दिया हूँ। एक न्यूट्रल है और एक बॉडी रखते हैं और एक इन्वर्टर का भी दिया हूँ और दो पॉइंट है यहाँ पे, एक लाइट और एक फैन के लिए। और यहाँ पे टू वे स्विच लगने वाला है, लगाऊंगा और दिखाऊंगा किस तरह से बोर्ड फिट किया जाता है, टू का स्विच किस तरह से फिट किया जाता है, ये भी दिखाऊंगा। और इसके बाद ये भी फिट कर दिया हूँ। यहाँ पे मैं वायर डाल दिया हूँ, एक न्यूट्रल फेस, ये मेन है, एमसीडी बोर्ड से किया हूँ इसको, मेन बोर्ड मेन लाइन है। और यहाँ पे है फेस न्यूट्रल और इन्वर्टर और एक बॉडी आते हैं और एक तीन पॉइंट के लिए तीन लाइट, एक दो तीन, यानी कि एक लाइट, एक फैन और एक दूसरा वाला लाइट का। टीवी के टीवी बोर्ड के लिए मेन न्यूट्रल और बॉडी आउट और इन्वर्टर के लिए दिया हूँ। बाकी डाइनिंग में भी था पहले वायरिंग करना बाकी है, ये पूरा डाइनिंग में अभी डालूंगा वायर। काम बस वायर भरने का था, वायर डाल दिया हूँ, वायर डालने का काम कंप्लीट हुआ है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करो सबसे पहले आप तक पहुँचे और कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। बोर्ड फिटिंग एंड टू वे स्विच फिटिंग एंड आइसोलेटर एमसीवी बॉक्स फिटिंग्स किस तरह से किया जाता है मैं पार्ट 4 में दिखाने वाला हूँ और पार्ट 4 देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।